गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आर प्रीवियस चैप्टर। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी भी है, अभी इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं। एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द अंडर सब्सक्रिप्शन, दैट व्हाट एंट्रीज शुड बी पास एट द टाइम ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। हमने मिनिमम सब्सक्रिप्शन का सारा केस पढ़ लिया है, प्रीमियम इशू पढ़ लिया है, पार इशू पढ़ लिया है, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस, अपन से डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन इज जस्ट दैट कि ए बी लिमिटेड, ये क्वेश्चन जो है मन से बनाया है, तो आप बुक में नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको होमवर्क में मिल जाएंगे। ए बी लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच, है ना। ए बी लिमिटेड ने कितने शेयर इशू करे? 10,000 ऑफ रुपीज़ 10 ईच। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 9,000 शेयर। मतलब अब ये केस हो गया क्या कि हमने तो 10,000 बेचे, शेयर दिए सॉरी, बट हमारे पास तो 9,000 की एप्लीकेशन आई। तो अब इस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन? अंडर सब्सक्रिप्शन। हमने पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि अंडर सब्सक्रिप्शन होता क्या है, बट हमको उसके प्रैक्टिकल्स करने बाकी थे, ठीक है। तो अपन इसके प्रैक्टिकल्स सीख रहे हैं। तो अब हो गया हमारे पास 9,000 के लिए एप्लीकेशन आई। तो जल्दी से अब ध्यान रखना आप लोग, हमेशा जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन का केस होता है तो जो भी हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव होती है हम उसी को बेस लेते हुए सारी एंट्रीज पास करते हैं, ठीक है। जैसे पहले होता था 10,000 कंपनी ने इशू करे और 10,000 की ही एप्लीकेशन रिसीव हो गई, जैसा अपन पहले पढ़ते थे, तो अपन हर जगह क्या लिखते थे? नंबर ऑफ शेयर में 10,000। बट यहाँ पे केस हो गया है चेंज। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में जो भी मिनिमम अमाउंट होता है या मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो भी उनको रिसीव होता है उसी को से सारी एंट्रीज पास करनी पड़ती है, बस ये ध्यान रखना है। तो अब एंट्रीज पास करने का वही लॉजिक सिंपल सा, दैट बैंक की एंट्री होगी और एप्लीकेशन की एंट्री होगी। एंट्री ऐसे होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सिंपल केस, 9,000 मल्टीप्लाई बाय 10 वुड गिव यू 90,000। और अगली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अल्टीमेटली बाय रुपीज़ 90,000, ठीक है। अगर यही अमाउंट वो पार्ट्स में मांगता, मान लो 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, तब भी हम एंट्री वैसे ही पास करते, बट बेस क्या लेते? यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितने होते हैं? 9,000, ठीक है। पहले हमने जैसे आप देखना अर्लियर क्वेश्चंस में हमने जो डिस्कस किया, जैसे हमने डिस्कस किया है इस क्वेश्चन में, नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 50,000। तो हमने हर जगह क्या लिया? 50,000, 50,000 और 50,000, मतलब हर जगह क्या लिया? 50,000। बट अब यहाँ पे जो केस है या फिर यहाँ पे जो एंट्री है वो कैसे पास होगी? 9,000, क्योंकि एप्लीकेशन हमको कितने की मिली है? 9,000 की मिली है, ठीक है। इट इज़ द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब अपन पढ़ लेते हैं हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो ओवर सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ होती है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हम देखते हैं क्या क्या कंडीशन बनती है। तो एंट्रीज फॉर ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या? हमने तो इशू करे 10,000 शेयर, बट हमारे पास एप्लीकेशन आ गई जस्ट अज्यूम 12,000 शेयर की। कितने की आ गई? 12,000। हम 13 कर लेते हैं, कन्वीनियंट रहेगा। देखो इसी एग्जांपल को लेके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, है ना। नंबर ऑफ शेयर इशूड आर 10,000, बट एप्लीकेशन हैड बीन रिसीव फॉर 13,000, है ना। तो अब हमारे पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितनी आ गई? 3,000। तो इट इज़ अ कंडीशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अब अपन क्या कर सकते हैं? फर्स्ट कंडीशन ये लो कि जो एक्स्ट्रा 3,000 है उनको या तो क्या कर दो? सारा के सारा रिजेक्ट बोल दो, भैया हमारे पास तो शेयर नहीं है, हम आपको नहीं दे सकते, वी आर रिजेक्टिंग यू, ठीक है, हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन इज दैट कि वी आर जस्ट एडजस्टिंग देम देयर अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। हम उनके पैसे कायम ही एडजस्ट कर रहे हैं, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं, जैसा हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। या फिर हम ये बोल सकते हैं दोनों कंडीशन फॉलो कर दो, मतलब थोड़ा सा रिजेक्ट कर दो, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दो अलॉटमेंट पे, ठीक है। तो पढ़ते हैं एंट्रीज क्या होगी। तो जब द कंडीशन इज दैट कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एप्लीकेशन आर रिसीव फॉर, सॉरी, वी आर इशूइंग 10,000 शेयर बट एप्लीकेशन आर रिसीव फॉर 13,000 शेयर, ठीक है। तो इन दैट केस व्हाट एंट्री वी आर गोइंग टू पास हियर? मींस फर्स्ट एंट्री वुड बी ऑफ एप्लीकेशन, सो राइटिंग हियर दैट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब आप इसी को क्वेश्चन को ध्यान से करना। तो बैंक में कितने पैसे मिले? हमारे पास अप्लाई कितने लोगों ने कर दिया? 13,000। जस्ट अज्यूम शेयर एक कितने रुपए का है? 10 रुपीज़ का। एक शेयर कितने का है? 10 रुपीज़ का है। तो जल्दी से बताओ, 13,000 मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब अल्टीमेटली हमको यहाँ पे कितने रुपए मिल गए? 1,30,000। कितने मिल गए? 1,30,000। समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे की एंट्री पास करते हैं। तो आगे शेयर एप्लीकेशन, और जो शेयर एप्लीकेशन है वो कितने से हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन हो जाएगा कितने से? 13,000, सॉरी, 1,30,000 से, है ना। ये तो समझ में आ गया, 13,000 मल्टीप्लाई बाय 10।
एप्लीकेशन, ये फिर यहाँ पे क्रेडिट भी कितने से हो गया, 1,30,000। अब नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही होती थी। बट एज वी आर रिजेक्टिंग इट, हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो जल्दी से बताओ कि हम लोगों को पैसे वापस रिफंड कर रहे हैं या रिटर्न कर रहे हैं, उस केस में हमारा बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि बैंक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, पहले जब पैसे आए थे तो बैंक डेबिट था, अब पैसे जाएंगे तो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, तो साइमल्टेनियसली टू बैंक क्या कर देंगे, क्रेडिट। ओके, अब एप्लीकेशन क्रेडिट कितने से था, 1,30,000, तो यहाँ पे भी कितने आ गए, 1,30,000। अब कैपिटल में कितने रुपए जाएंगे, कैपिटल में हमेशा याद रखना है जो भी इशू होता है उससे ज़्यादा नहीं जा सकता, मतलब 10,000 × 10, इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास कितने रुपए चले गए, 1,00,000। ठीक है, कैपिटल में कभी भी इशू से ज़्यादा नहीं जा सकता। और बैंक में हम रिटर्न कितने कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कितने थे, 3,000 × 10 मतलब 30,000। ठीक है, समझ में आ गया, यही चीज़ ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं एडजस्ट टूवर्ड्स अलॉटमेंट, उस केस में फर्स्ट एंट्री क्या, सेम क्वेश्चन, मतलब 10,000 और 13,000 वाले, कि अब हमने शेयर इशू करे 10,000, एप्लीकेशन हमको मिल गई जो है वो 13,000 के लिए, और एक शेयर कितने रुपए का था, 10 रुपीज़ का। अब बैंक में पैसे कितने हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितने से हो गया, 1,30,000। ठीक है, अलॉट एप्लीकेशन पे यहाँ पे पैसे भी कितने आ गए, 1,30,000। अब बात कर रहे हैं कि हम बाकी एक्स्ट्रा को क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं अलॉटमेंट पे, मींस हम इस एंट्री को ये बोल रहे हैं कि आपके जो भी एक्स्ट्रा पैसे आए ना उसको हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। तो उस कंडीशन में एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये तो पहले भी करते थे बट अब यहाँ पे साइमल्टेनियसली क्रेडिट क्या कर दिया हमने, शेयर अलॉटमेंट एक्स्ट्रा पैसे से, तो यहाँ पे भी सेम 1,30,000, यहाँ पे रुपीज़ 1,00,000, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1,010, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30,000। ठीक है, समझ में आया, यहाँ के केस और यहाँ का केस सेम ही था, बस यहाँ पे बैंक में रिटर्न हुआ और यहाँ पे अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ, मतलब एंट्री दोनों में एक जैसी पास होती है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे बैंक क्रेडिट क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज बैंक से पैसे जा रहे थे, यहाँ पे अलॉटमेंट क्रेडिट इसलिए हुआ क्योंकि हमने उसको पैसे को, आप ये समझ सकते हो कि इट इज़ जस्ट लाइक एन एडवांस, ये एडवांस की टाइप है, जब हम अलॉटमेंट के बाकी लोगों से पैसे मांगेंगे उस टाइम पे हम उस पार्टी से पैसे नहीं मांगेंगे जिसके हमने एक्स्ट्रा रख लिए। ठीक है, ये होता है एडजस्ट टूवर्ड्स अलॉटमेंट। अब अपन लास्ट कंडीशन पढ़ते हैं, तो लास्ट कंडीशन इज जस्ट दैट कि ये रहा बोथ कंडीशन, मतलब हम दोनों काम कर रहे हैं, मतलब जस्ट अज्यूम हमारे पास कितने शेयर्स थे, 10,000। ठीक है, अब 10,000 शेयर्स थे, लोगों ने अप्लाई कर दिया 13,000 के लिए, तो जल्दी से बताओ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन तो वापस ऐसे हो जाएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ लिख के, ये कितने रुपये से हो जाएगा, 1,30,000 से। ठीक है, यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन डेबिट भी कितने से हो जाएगा, 1,30,000। तो अब एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1,30,000। अब अगला, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक। अब क्या हुआ, कुछ नहीं, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे बैंक में पैसे रिटर्न हुए तो बैंक को क्या करा, क्रेडिट, वैसे यहाँ पे भी बैंक को क्या कर दिया, क्रेडिट। इस कंडीशन में अपन थोड़ा सा रिटर्न कर रहे हैं और थोड़ा सा अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं, मैं यहाँ नीचे लिखती हूँ सेकेंड एंट्री। तो सेकेंड एंट्री ऐसी होगी, शेयर, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया, शेयर कैपिटल अकाउंट, ये चीज़ तो हो ही जाएगी, शेयर कैपिटल। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो रिटर्न करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू बैंक, क्योंकि बैंक से पैसे जाने वाले हैं, और थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, अलॉटमेंट पे एडजस्ट, तो क्या हो जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट। समझ में आया, अब कंडीशन ऐसी है कि हमने यहाँ पे शेयर कितने लिख दिए, 1,30,000, मतलब पैसे तो हमको सारे 1,30,000 पे मिल गए। अब कैपिटल में मैक्सिमम कितना जा सकता है, 10,000 × 10, मतलब 1,00,000 रुपीज़ जा सकता है। अब इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, बैंक से कितने, जस्ट अज्यूम हम इस कंडीशन में 1,000 शेयर को क्या कर रहे हैं, रिटर्न, और बाकी बचे दो 2,000 शेयर है उनको क्या कर रहे हैं, अलॉटमेंट पे एडजस्ट। एक्स्ट्रा कितने आए थे जल्दी से बताओ, एक्स्ट्रा थे ना 3,000, जिसको अपन अभी तक एडजस्ट कर रहे थे, तो यही कंडीशन है, 3,000 में से 1,000 को क्या कर दिया अपन ने, रिजेक्ट कर दिया, और 2,000 को क्या कर दिया, अलॉटमेंट पे एडजस्ट। तो अब यही एंट्री हो जाएगी, रिजेक्ट कितना करा, 1,000, तो 1,000 × 10 वुड गिव यू 10,000, और अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करा, 2,000, अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया तो 2,000 × 10 वुड गिव यू 20,000। देखो डेबिट और क्रेडिट क्या हो गया, मैच हो गया। ठीक है, तो इस टाइप की कंडीशन का जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में मिलेगा, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी।
थैंक यू।